मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में कुंभ बहाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और सुबह के बजे हैं 8:30। तो फिलहाल अभी हम रुके हैं आईआईटी रुड़की में। यहाँ हम कुछ काम से आए थे, तो आज संडे है और हम फ्री हैं। तो आज हमने प्लान किया कि क्यों ना हरिद्वार जाया जाए। और यहाँ से हरिद्वार 40 किलोमीटर के आसपास है, तो 1 घंटे के आसपास हमें लगेगा जाने में। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ हम रुके हैं, आईआईटी रुड़की में गेस्ट हाउस। और हरिद्वार जाने से पहले मैं आपको आईआईटी रुड़की का कैंपस दिखाऊंगा जाते टाइम। अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जहाँ हम रुके हैं उस गेस्ट हाउस का नाम है खोसला इंटरनेशनल हाउस। और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये गेस्ट हाउस का फ्रंट है, देख सकते हैं आप सामने। और अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जो हमें यहाँ गेस्ट हाउस के अंदर मिला था। और ये मेरे साथ का बंदा नारायण दास। और रूम की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं गेस्ट हाउस के अंदर रूम सुविधा। तो चलते हैं अब हम कैंपस से बाहर। देखो अभी मैं आपको यहाँ का मेन म्यूजियम दिखाऊंगा जाते टाइम। तो अभी हम गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुके हैं, हम चेकआउट किया है। देख सकते हैं आप गेस्ट हाउस का फ्रंट। और ये सामने का व्यू गेस्ट हाउस के। और गेस्ट हाउस के मैस से सामने ये आईआईटी रुड़की के अंदर के कैंपस में गेस्ट हाउस। और अब दिखाऊंगा मैं आपको म्यूजियम। और अब हम म्यूजियम के पास पहुंचने वाले हैं। और पूरा पार्क म्यूजियम का सामने, जो आईआईटी रुड़की का फ्रंट है वो यही है सामने। मैं दिखाऊंगा सामने से आपको, ये देख सकते हैं। आज संडे है तो आज यहाँ चहल पहल बन जाता है। और सामने स्पोर्ट्स का है, स्विमिंग पूल वगैरह, बास्केटबॉल। और सामने टैंक भी रखा है। और जेम्स थॉमसन इंजीनियरिंग, ये आईआईटी रुड़की का सामने का व्यू देख सकते हैं आप। ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है, म्यूजियम। और आज है तो संडे लेकिन म्यूजियम खुला है, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा स्टूडेंट की एक्टिविटी। और सामने लिखा है जेम्स थॉमसन इंजीनियरिंग। और ये अंदर का देख सकते हैं सामने जेम्स थॉमसन। सामने सारे स्टूडेंटों की एक्टिविटी दिखाई गई है, देख सकते हैं आप म्यूजियम। यहाँ
सारे डिपार्टमेंटों के विज्ञापन दिखाए गए, बच्चों की सारी एक्टिविटियाँ। टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम, टेबल टेनिस, अंदर सारी गतिविधियाँ होती है। चलते हैं बाहर। और सामने का व्यू, म्यूजियम के सामने का पार्क, टाइम की कमी के कारण जल्दी जल्दी हरिद्वार की तरफ कैंपस से जल्दी से बाहर जाया जाए। पार्क में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और म्यूजियम का साइड व्यू, 175 साल पूरे हो चुके हैं म्यूजियम से बाहर आ गए हम। कैंपस के अंदर और सामने कटहल का पेड़ कैंपस के अंदर देख सकते हैं आप, कटहल लटके हुए हैं। कैंपस के अंदर काफ़ी कटहल के पेड़ हैं। तो अभी हम कैंपस से बाहर आ चुके हैं, ये कैंपस का मेन गेट है, सामने देख सकते हैं आप। और अब जा रहे हैं हम रुड़की बस स्टैंड, यहाँ से लेंगे हम हरिद्वार के लिए बस। ये आगे बस स्टैंड है रुड़की का, और रुड़की की मार्केट आगे वाली साइड है, देखते हैं आप। तो चलो चलें हरिद्वार, और आगे देख सकते हैं आप कांवड़िए चल गए हैं, कांवड़ लेके सावन का महीना शुरू होने वाला है मतलब, और बस आ रही है। तो अभी हमें बस मिल चुकी है और निकल पड़े हैं हरिद्वार की ओर, हर हर बोले। और ये हमारी टिकट रुड़की टू हरिद्वार। अब पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार बस स्टैंड, देख सकते हैं आप। और ये पीछे मंडी की बस लगी हुई है, और मंडी और हरिद्वार का बस स्टैंड, और सामने रेलवे स्टेशन है। आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुंच सकते हैं बाय ट्रेन, बस, और अगर आपको फ्लाइट में आना है तो आपको देहरादून आना पड़ेगा, और देहरादून से 50 किलोमीटर हरिद्वार है, देख सकते हैं आप सामने हरिद्वार बस स्टैंड। ये सामने रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप, हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। अब जा रहे हैं हम हर की पौड़ी की तरफ। कौन बस स्टैंड देख सकते हैं आप, हरिद्वार के मार्केट की रौनक। एक तो आज संडे है तो थोड़ा भीड़ ज्यादा है, यहाँ होटल रेस्टोरेंट काफी है। और आप पहुंच
चुके हैं हम हर की पौड़ी के पास। आगे से देने, हाँ चल। और कांवड़िए चलना शुरू हो गए हैं, देखते हैं आप। चल चल चल, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पहुंच गए हम हरिद्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार। देख सकते हैं आप श्रद्धालु, और सामने भोलेनाथ। हर हर भोले, और गंगा जी की रफ्तार। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देख सकते हैं आप कितने श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। ये सुशील कुमार गंगा माता में डुबकी लगाते हुए अपने पापों को धोते हुए। और अब हम गंगा स्नान करने के बाद चले मनसा देवी के मंदिर की ओर। अब टाइम हमारे पास काफी है तो हम मनसा देवी मंदिर की ओर चल पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितने श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सामने हर की पौड़ी, अपने ऊपर माता का मंदिर पहाड़ी पे। मनसा देवी मंदिर एक श्रद्धालुओं की भीड़। और मैया रानी के दरबार में श्रद्धालुओं की करतारे, इतनी भीड़। और अब हमने माता जी के दर्शन कर लिए और हम बाहर आ गए हैं। अभी देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है। और सामने माता का मंदिर, और इसके सीधे नीचे देख सकते हैं आप गंगा मैया, पूरी गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे। थोड़ा और माता के मंदिर से वापस आते हुए सामने सारे गंगा घाट हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और यहाँ हिमाचल की काफी बसें हैं। हरिद्वार, चंडीगढ़, मणिकरण भी लगी है, पालमपुर, मंडी। अब हमारी यात्रा हुई संपन्न।
हर हर गंगे। पहुंच गए हम अब संस्थान अंदर, और सुबह गए थे हम 8 बजे, अभी बज रहे हैं 3। इतने में हमने अपनी